जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर पुलिस ने गांव नरेना में खंडर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 10 अवैध तमंचे, एक राइफल, एक बंदूक, एक अर्धबना तमंचा, 6 कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम जावेद पुत्र मुनफेद निवासी गाँव बझेड़ा कला थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ है। वहीं आरोपी का एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी लोगों को ऑन डिमांड शस्त्र सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किया गया आरोपी जावेद कुख्यात बदमाश है, जिसके खिलाफ धोलाना में आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग भी पंजीकृत हैं। आज दिनांक 7/8/2023 की रात्रि में थाना क्षेत्र कपूरपुर में थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि नरेना के जंगल में कोई खंडर में अवैध फैक्ट्री का काम कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना प्रभारी ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां दबिश दी, तो एक कुख्यात अपराधी जो जावेद थाना बझेड़ा कला थाना कपूरपुर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे 13 असले बरामद हुए हैं। इनमें से जो 10 असले हैं 315 बोर के कट्टे हैं, एक राइफल है 315 बोर की, एक 12 बोर की सिंगल बैरल है और एक 315 बोर का जो तमंचा है वो अधबना हुआ है, वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ उनसे 12 बोर के और 315 बोर के कार्टेजेस बरामद हुए हैं। जो फैक्ट्री बनाने के एपरेटस हैं वो सारे के सारे बरामद हुए हैं। पूछताछ पर जावेद ने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। इसमें बताया है कि एनसीआर में कई क्षेत्रों से उसको जब डिमांड आती है तो वो ये कट्टे सप्लाई कराता है, किस किस को कट्टा बेचा गया है और किस किस से उसका कनेक्शन है, उसके आधार पर हम सारी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। मौके से इसका एक साथी जो जुल्फिकार नाम का है वो मौके से भाग गया है। पूर्व में भी वर्ष 2022 में यह जावेद जो है थाना धोलाना से कट्टा फैक्ट्री में ही बंद हुआ था। इसके ऊपर एक अन्य मुकदमा भी अब तक जानकारी में आया है, अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री की इसके बारे इससे जानकारी की जा रही है। इसको गिरफ्तार किए माननीय न्यायालय में किया जा रहा है। इसने कई चुनावों के संदर्भ में डायरेक्ट तो इसने नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ लोग इससे जो कनेक्टेड थे या किसी के माध्यम से इसको सूचना आती थी तो एक कट्टा जो है ये 5,000 से 7,000 में बेचते थे। एक जो बैरल सिंगल बैरल थी वो 10,000 से 12,000 की और राइफल 15,000 से 20,000 रुपये में बेचा करते थे। जो जैसा कस्टमर आता था उसी के हिसाब से लोग भेज देते थे, जो डिमांड आती थी उसी के हिसाब से लोग बार्गेनिंग करके अपना रेट तय कर लेते थे। चुनाव के संदर्भ में अभी कोई जानकारी इसके द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन इसकी जो कॉल डिटेल है उसके आधार पर हम बाकी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि कपूरपुर क्षेत्र के गांव नरेना के जंगल में बने खंडर में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके पश्चात सूचना को सटीक मानकर कपूरपुर थाना प्रभारी गुरुवार की रात पुलिस बल के साथ खंडर में दाखिल हुए और मौके से जावेद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए आरोपी अवैध हथियार बनाकर ऑन डिमांड सप्लाई करते थे, जो तमंचे को 5,000 से 7,000 रुपये, राइफल को 15,000 से 20,000 रुपये और बंदूक को 10,000 से 12,000 रुपये में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 13 अवैध असले और असले बनाने के उपकरण बरामद किए हैं।